पिछले लंबे समय तो गढ़शंकर नंगल सड़क की खस्ता हालत कारण जिथे रोजाना अनेक हादसे वापर रहे सन और राहगीरां नूं भारी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। इस सड़क नूं बनाउण लई पिछले काफ़ी लंबे समय तो वख-वख जथेबंदियां वल्लों धरने भी दित्ते जा रहे सन। हुण इलाके दे लोकां नूं थोड़ी राहत मिली जदों इस सड़क का निर्माण शुरू हो गया। इस सड़क नूं बनाउण दा नींह पत्थर लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने पंजाब विधानसभा दे डिप्टी स्पीकर जयकृष्ण सिंह रोड़ी अते होर पतवंतियां दी मौजूदगी विच अड्डा झुंगिया विखे रखिया। इस मौके मंत्री हरभजन सिंह ने दस्सिया कि 16 किलोमीटर सड़क नूं तैयार करन लई लगभग 14 करोड़ दी लागत आवेगी अते इस सड़क नूं तैयार करके लोकां दे सपुरद करन दी आखिरी तरीक 31 दिसंबर 2023 निर्धारित कीती गई है। इस मौके डिप्टी स्पीकर जयकृष्ण सिंह रोड़ी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का धन्यवाद करदिया कहा कि इस सड़क के निर्माण नाल इलाके दे लोकां नूं भारी राहत मिलेगी। अज देखो जी ये गढ़शंकर तो संतोख घाट तक इस वेले असीं अड्डा झुंगियां दे विच खड़े हाँ। असीं ये रोड जिहड़ी कि लंबे समय तो पेंडिंग पई सी, साढ़े माणयोग डिप्टी स्पीकर साहब बड़ी बारी पिछले सैशन के दौरान भी बड़ी बारी इन्हां विधानसभा दे विच मंग चुकी सी उठाई सी कि असीं ये रोड जिहड़ी आ बणे, पर समें दीआं सरकारां ने कोई ध्यान नहीं दिता। बड़े हादसे भी होए इस सड़क के उत्ते, लोगों ने बड़े नुकसान होए, पर किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिता। जदों तो सरदार भगवंत सिंह मान साहब की सरकार बनी, उन्हों का एक सुपना कि असी पंजाब दे विच रोड्स जिहड़ियां ने इन्हां नूं भी सही करना है ते नाल दे नाल कोई ब्लैक स्पॉट्स जिथे है ने उन्हां नूं भी ठीक करना है। सो मान साहब ने स्पैशल असिस्टेंस दे के इस रोड नूं जिहड़ी कि 16.5 किलोमीटर आ ते 14 करोड़ 32 लाख रुपया जिहड़ा इस रोड का सैंक्शन करके ते इहनूं जिहड़ा आ वो नवियाउण दा काम शुरू किया। सो काम शुरू हो चुका है, लगभग 5-6 महीने दे विच इह सड़क जिहड़ी आ पूरी तरह बन के तैयार हो चुकी। इस रोड नूं काम शुरू हो चुका है, लगभग 5-6 महीने दे विच इह रोड कंप्लीट हो जाएगा। बिजली के कट जिहड़े आ ना वो कितने मेनटेनेंस की कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ बिजली की कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हें दसिया, मैं विधानसभा के भी कहा कि सब तो ज़्यादा बिजली देखो जो बिजली पैदा हो रही है तो उतों ही पता लग जाना है कि किन्नी है। जदों पिछले साल असी सब तो ज़्यादा इन्नी बिजली पंजाब कभी पैदा नहीं हुई, 14,311 मेगावाट बिजली पिछली बारी पैदा हुई है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। खास तौर पर साढ़े दो थर्मल प्लांट ने सरकारी जड़े ने रोपड़ ते लहरा मुहब्बत, इन्हां दोनों दे विच्चों पिछले समय के दौरान अज तक 83% बिजली की पैदावार वधी, 83% 11 महीनों के समय के 83% बिजली की पैदावार वधाई है। सो ये जिहड़ी कितें मैं तुहाडी गल मन इन्नी गल जरूर मान सकदा कि कोई रिपेयर की कोई शटडाउन होया होवे उहदे करके, अदरवाइज बिजली की। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी, साडे माणयोग कैबिनेट मंत्री ईटीओ साहब जिन्हां ने गढ़शंकर हल्के नूं सब तो पहला हर एक परिवार का 600 यूनिट जिहड़ा बिजली का माफ़ किया, मैं अपने हल्के वालों मंत्री साहब का और मुख्यमंत्री साहब का तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ। पिछले दिन मैं जदों इनवाइट किया इस उद्घाटन के अपने एक सज्जन बीजेपी तो सी, मैं मजाक के कहता इस बार मेरा बिल भी 0 है। मैं क्या भी वीर जी मंत्री साहब ने आना, मुख्यमंत्री साहब ने भी आना, उन्होंने धन्यवाद तुम उन्होंने मुख्य करो। अज सचमुच बड़ा खुशी का पल है क्योंकि पिछले 5 साल पंजाब की विधानसभा के पूरा टेल वाला जोर लग के इस सड़क की मंग मैं पुरजोर ढंग रखता रहा। धन्यवाद इस करके है कि 1 साल पूरा नहीं हो दिता, आप सब मीडिया गवाह हो, तुम भी इस सड़क की जी आवाज है वो सरकार तक पहुंचाते रहे हो। साढ़े जड़े है लीडर साहबान इतों के वह कहते रहे हैं 4 साल पैसे नहीं आते, 3 साल पैसे नहीं आते, आ खड़े ईडीओ साहब से इन्होंने पता है कि ईमानदारी का पैसा कितने लाना है, और मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को पता है कि करप्शन का पैसा कितों कढ़ के लेके आना, लोगों से कितना लेना। अज उद्घाटन किया, बहुत जल्द यह सड़क कंप्लीट होगी और हल्का गढ़शंकर दी बाकी भी जिन्नी सड़क है उन्होंने बहुत जल्द आप कंप्लीट करा। इस तो बाद बारी जी है मालपुर तो बहराम जाती कोट में जाती वो नहर के उत्ते जरा सड़क है वो लुक पैण की गल है, जंत्री साहब का अं इस गल धनवाद करते हैं। मंत्री साहब ने कहा भी आ सड़क बनाओ, इस तो बाद बाइंडिंग करने की लड़ पी, चौड़ी करने की लड़ पी, या होर भी गढ़शंकर के जी तुम गल आनंदपुर साहब तो बंगे की गल की है, मंत्री साहब का तह दिलों शुक्रगुजार हाँ कि इन्होंने बनते सार सब तो पहला वह काम शुरू करवाया और बंगिया तो लैके जिथे तक गढ़शंकर का हल्का है वो सड़क लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है।
थोड़ी एक दो जगह से कुछ पॉइंट है और मैं पूर्ण उम्मीद है कि मंत्री साहब नूं होले महल्ले तक जिहड़ा सड़क जल्दी जरूर करनगे और इहदे नाल नाल हलका गढ़शंकर दे विच जिन्हें भी इन्होंने स्पैशल डीओ भेजा कि थोड़े बिजली दी सड़कां दी जिन्हें भी समस्या सानू दसो पहल दे आधार ते हल करांगे। असीं अपने हलके वालों मानयोग मंत्री साहब का मुख्यमंत्री साहब का तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू।